हेलो एवरीवन, आई एम आकाश पांडे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट लाइन एंड पॉलीलाइन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किल के बारे में। ठीक, हम लोग वन बाई वन हर एक कमांड पे जाने वाले हैं। तो हमारा लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप लास्ट वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिए। तो ये सारे वीडियोज हमारे जो है वो सभी सीरीज में चलेंगे। ठीक है, तो आपको जस्ट मेरी वर्कबुक पर प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करने के साथ ही साथ कमांड्स को देखना है। आप ऑटोकैड फुल्ली सीख जाओगे इस वीडियो के थ्रू, पूरी सीरीज आप देखिए। दोस्तों, हमारी तीसरी कमांड है वो सर्किल है। ऑटोकैड के अंदर सर्किल के कुछ पार्ट्स है। देखिए, यहाँ पे सर्किल के लिए पहला है सेंटर रेडियस, दूसरा है सेंटर डायमीटर 2.3.10.10 रेडियस एंड 10.10.10। अगर आपको आपके पास इफ़ यू हैव अवेलेबल रेडियस, ठीक है, तो जस्ट यूज सेंटर रेडियस, जस्ट क्लिक ऑन सेंटर रेडियस एंड देन इट ड्रॉ लाइक वट एवर रेडियस यू वांट। जस्ट यू आई सपोज यू वांट 50, जस्ट 50। तो देखिए दोस्तों, क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास 50 अवेलेबल हो गया। इफ़ यू वांट टू सी द रेडियस ऑफ दिस सर्किल, सी यू कैन सी लाइक दैट। एंड इसी के साथ ही दोस्तों, अगर मुझे चाहिए कि इस पर एडिटिंग करनी है, लाइक जो इसका रेडियस है 50 नहीं, यू वांट दैट 80, यू वांट दैट 80, जस्ट क्लिक हियर एंड देन इंटर हियर वट एवर यू वांट। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये हमारा एंट्री भी, मतलब कि ये आप एडिट कर सकते हो, इसको एडिट कर दिया हमने इस तरह से 80 को। और इसके साथ ही साथ हमारा दूसरा आया हुआ है सेंटर डायमीटर। सेंटर डायमीटर में हम लोगों ने जैसे क्लिक किया, अब यहाँ पे हमें डायमीटर डालना पड़ेगा। डायमीटर इन द सेंस, सपोज यू हैव अवेलेबल डायमीटर, यू डिड नॉट वांट टू चेंज दैट इन रेडियस, इन दैट केस यू कैन यूज सेंटर डायमीटर। तो सेंटर डायमीटर में जैसे आप मुझे सेंटर डायमीटर अगर 100 डाला तो क्या रेडियस देगा 50। इफ यू वांट टू चेक, यू कैन चेक लाइक दैट। अब देखिए, ऑटोकैड में क्या है कि ऑटोकैड में इसको एडिट कर ले रहे हो आप, तो ये क्या कर रहा है, आपके टाइम को सेव कर रहा है। इफ यू वांट 60, जस्ट क्लिक 60। ओके, तो इस तरह से टाइम को सेव कर रहा है ये। और इसके बाद हमारे पास है टू पॉइंट मीन्स, सपोज आपके पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ओके, अब आपको क्या चाहिए कि इन दोनों के बीच में एक सर्कल चाहिए, आपको इन दोनों के बीच में एक सर्कल चाहिए। तो सर्कल के लिए आप क्या करो, यहाँ पे टू पॉइंट लो। टू पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे जस्ट एक पॉइंट पर क्लिक करो और दूसरे पॉइंट पर क्लिक कर दो। देखिए, आपने इनके बीच में एक सर्कल भी तैयार कर लिया और साथ ही साथ ये भी जान लिया कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। जैसे देखिए 51.14, इसका डबल करेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब डायमीटर आ जाएगा इसका। ठीक, तो इस तरह से अगर हमारे पास दो पॉइंट है, उनके बीच का रेडियस नहीं पता है, तो हम लोग टू पॉइंट सर्कल यूज करेंगे। ऐसे ही अगर आपके पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, ठीक है, ये मैं लाइन जो खींच रहा हूँ, लाइन खींचने के लिए मैंने पहले वीडियो में आपको डिस्कस कर रखा है कि एल इंटर या लाइन कमांड लेके इंटर करेंगे तो लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो पहले आप उसको देखिए, फिर इसको देखिए, फिर आगे भी हम लोग दूसरी दूसरी कमांड देखेंगे, तो वन बाई वन हम लोग नए नए कमांड्स को देखेंगे। ओके, तो अभी क्या किया हमने, देखा हमारे पास थ्री पॉइंट्स है, तो अब क्या किया हमने, यहाँ से ले लिया थ्री पॉइंट। देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन एंड सेकंड पॉइंट इज दिस वन एंड थर्ड पॉइंट इज दिस वन। देखिए इजिली क्या हुआ, हम लोग तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ एक सर्किल बना लिया हमने। ठीक, तो इस तरह से हम लोग थ्री पॉइंट सर्किल का यूज करते हैं। इसके बाद है यहाँ पर 10-10 रेडियस। 10-10 रेडियस मीन्स फ्रेंड्स, 10-10 radius means you have, suppose you have one tangent, second tangent and you have radius also, ठीक है ना, आपके पास दो tangent है और एक radius है। अब जैसे suppose मैंने एक tangent इस तरह से draw कर लिया, एक circle draw किया, इसका मैंने कहा ये tangent मेरे पास है, इसका ये tangent मेरे पास है। अब मैं इनसे होता हुआ एक circle बनाना चाहता हूँ, in that case just click on 10-10 radius, click on first tangent, then click on second tangent and then draw your radius, whatever you want. Suppose you want 80, just click 80, enter. See, 80 radius का आया, इसको भी touch कर रहा है, इसको भी touch कर रहा है, मतलब 10-10 radius. तो इस तरह से हम लोग का हो गया 10-10 radius. Last one is 10-10-10. Okay, in that case, just click here. And it's if on ortho, on ortho, what is the use of ortho? If you on ortho, you always make your line straight. Okay, just click here 100, enter.
दोस्तों इधर जाना है तो इधर के पहले कर्सर को पहले उधर की ओर करना है, ध्यान रखिएगा। देखिए पहले इधर की मूव कर रहा हूँ तो पहले मैं कर्सर उधर जा रहा हूँ। अभी देखिए ऐसे जाने से भी आपका जैसे ये गया यहाँ तक, अभी एंगल नहीं चेंज हुआ, एंट्री करेंगे तो ये स्ट्रेट चला जाएगा। अगर आपको एंट्री करना है तो आपको इधर की ओर ले जाना पड़ेगा कर्सर को। देखिए जब आप 180 हो गया, दैट मीन कि अब इधर की ओर आप डालोगे डिस्टेंस तो उधर की ओर चला जाएगा, ठीक है। लाइक अभी जैसे ये हमारा कितना था 100, वो भी 100, तो हम लोग इधर भी गए 100, उसको मिला दिया। और उसके बाद हम लोग यहाँ से इसके मिड पॉइंट पे गए, और मिड पॉइंट पे जाने के बाद इसके मिड पॉइंट पे चले गए, राइट क्लिक कमांड कैंसिल, इन दोनों को हमने हटा दिया। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, तीन टेंजेंट आ गए, क्या आ गए, तीन टेंजेंट आ गए। और इसमें से पहला टेंजेंट हमने लिया 10 10 10, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन, देखिए कहीं भी इस पर क्लिक कर दीजिए आप, और यहाँ पे 10 10 10 जस्ट लाइक दैट। तो हमने क्या देखा कि 10 10 10 मतलब तीन टेंजेंट हमारे पास हो तो उस केस में हम लोग एक ट्रेंगल बना सकते हैं और ट्रेंगल के अंदर दिखा सकते हैं। मीन्स तीन टेंजेंट आपको कहीं पे भी अवेलेबल है, वहां पे आपको रेडियस का पता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहां पे 10 10 10 यूज करके एक सर्किल अच्छा से ड्रॉ कर सकते हो। होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। अभी भी अगर कोई डाउट है आपके पास तो आप नीचे कमेंट करो यार, एंड डेफिनेटली मैं आपको कोशिश करूंगा कि हर एक कमेंट का सेपरेट रिप्लाई दूंगा। और आप लोग बहुत अच्छा देख रहे हो इसलिए मेरा और भी मन हो रहा है कि और भी अच्छा आपको मतलब की कोशिश किया जाए बनाने के लिए, ठीक है। तो मतलब कि मैं आके आपको पूरा ऑटोकैड देने वाला हूँ, साथ ही रेबिट, स्टैंड प्रो, ई टैप्स, 3ds Max, टेक्ला, इन सब के वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। तो अगर आपको कैड में परफेक्ट होना है, कैड के किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो आप बस देखते रहिए चैनल को और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे टॉपिक्स कराऊँ। ओके मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, अभी मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम देखिए कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे आया। तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको ये लाइक इस डायग्राम ये डायग्राम चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डायग्राम आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो ये हमारे जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हमको बनाना है। देखिए कितना ये 60 है और ये कितना है 120 है, ठीक है। तो मतलब 120 और 60 का एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और इसमें देखिए तो ये देखिए ये 40 है, ये 40 है और ये 40 है, इन तीनों को मिला दिया 40 40 40 पे, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, इन तीनों को 40 40 मिलाने के बाद देखिए यहाँ पे 10 10 रेडियस, मतलब रेडियस इज 10, सेम 10 10 10 मतलब रेडियस 10 10 10 10 10 10 मतलब यहाँ पे 10 10 10 यूज होगा, यहाँ पे 10 10 रेडियस, और यहाँ पर रेडियस अंदर का 10 और आउटर 20। चलिए बनाते हैं इसको, 120 60 20। और भी बहुत से मेथड है जिससे मैं इसको बना सकता हूँ, बट अभी मैं उन मेथड से नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी आपको उन मेथड के बारे में नहीं पता, जैसे कि आगे हम लोग पढ़ेंगे मिरर कमांड, ठीक, और क्या बोलते हैं, और भी बहुत से ढेर सारे अच्छे अच्छे कमांड्स हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे, बट वो अभी हमें नहीं पता है इसलिए हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी मैंने इसको कॉपी कराने के लिए CO इंटर किया, कॉपी कमांड, और जस्ट यहाँ से यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है। और नीचे भी हमने एक बना लिया। जितनी कम कमांड से आप ड्राइंग को बना देंगे उतने ही आप परफेक्ट हैं, क्योंकि ज़्यादा कमांड से तो कोई भी बना सकता है, बट कम कमांड से बनाने में आपको ज़्यादा लर्निंग मिलती है। इसलिए मैंने देखिए कोई भी कमांड यूज नहीं किया सिवाय एक कमांड, दो कमांड, एक कॉपी एंड एक लाइन, ये तैयार कर दिया, ठीक है। अंदर एक एक 20 एंड एक 10 का वो था आपका, एक छोटा सा सर्कल था, तो उसके केस में देखिए आपको गए मिड पॉइंट पे, एक 10 का लिया और एक 20 का लिया, इसको इरेज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा 10 10 रेडियस था, तो जिसमें से हमने ले लिया 10 10 रेडियस, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, एंड देन रेडियस इज 10, जस्ट इन रेडियस। इसके बाद जस्ट फिर से क्लिक किया हमने 10 10 रेडियस, सॉरी 10 10 रेडियस, और इसके बाद फर्स्ट सेकंड एंड देन रेडियस, जस्ट क्लिक आफ्टर इट लाइक फॉर दिस, जस्ट 10 10 10 10 10 10 फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट, थर्ड टेंजेंट,
फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट एंड थर्ड टेंजेंट। देखिए इस तरीके से हमारे पास ये डायग्राम तैयार हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि टेन टेन रेडियस, टेन टेन और टेन रेडियस, लगभग लगभग हमने सारे टाइप के सर्कल को यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग कमांड कमांड के साथ ही हम लोग डायग्राम ये सीरीज हम लोग चलाते रहेंगे और आपको इससे बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेक्टेंगल और साथ ही साथ रेक्टेंगल के साथ मिरर कमांड का यूज़ बताने वाला हूँ। इसी तरह से मैं आपको अभी सिलेबस दिखाऊंगा, तो सिलेबस के रिगार्डिंग हम लोग आगे एक एक कमांड करते जाएंगे, उसके साथ एक्सरसाइज करते जाएंगे, जिससे आपकी वर्क प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ ही साथ आपका कमांड भी आपको पता चल जाएगा। होप आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। एंड अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और ऐसे जैसे आप सपोर्ट कर रहे हो करते जाओ। मैं डेली नए नए वीडियोज़ लेके आता हूँ, तो एक दिन में मैं एक वीडियो तैयार करता हूँ। हेलो एवरीवन, हम आकाश पांडे। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट लाइन एंड पॉलीलाइन। आज के वीडियो में हम लोग डिफरेंट डिस्कस करेंगे सर्किल के बारे में। एक टेक्निकल ट्रेनर, हम लोग वन बाय वन हर एक कमांड जाने वाले हैं, कई टाइप के सॉफ्टवेयर। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप लास्ट वीडियो से उसको मेरे YouTube पे, आप सभी को ये सारे वीडियोस हमारे जो है वो सभी सीरीज में चलेंगे, काफी वीडियोस हैं। तो आपको जस्ट थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड होप यू लाइक दिस। साथ ही साथ कमांड्स को देखना है, आप ऑटोकैड फुल्ली सीख जाओगे इस वीडियो के थ्रू, पूरी सीरीज आप देखिए दोस्तों। हमारी तीसरी कमांड है वो सर्किल है। ऑटोकैड के अंदर सर्किल के कुछ पार्ट से देखिए, यहाँ पे सर्किल के लिए पहला है सेंटर रेडियस, दूसरा है सेंटर डायमीटर 2.3.10 रेडियस एंड 10 10 10। अगर आपको आपके पास इफ यू हैव अवेलेबल रेडियस, ठीक है, तो जस्ट यूज सेंटर रेडियस, जस्ट क्लिक ऑन सेंटर रेडियस एंड देन इट ड्रॉ लाइक वट एवर रेडियस यू वांट, जस्ट यू आई सपोज यू वांट 50, जस्ट 50। तो देखिए दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास 50 अवेलेबल हो गया। इफ यू वांट टू सी द रेडियस ऑफ दिस सर्किल, सी यू कैन सी लाइक दैट। एंड इसी के साथ ही दोस्तों, अगर मुझे चाहिए कि इस पे एडिटिंग करनी है, लाइक जो इसका रेडियस है 50 नहीं, यू वांट दैट 80, जस्ट क्लिक हियर एंड देन एंटर हियर व्हाट एवर यू वांट। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये हमारा एंट्री भी, मतलब कि ये आप एडिट कर सकते हो, इसको एडिट कर दिया हमने इस तरह से 80 को। और इसके साथ ही साथ हमारा दूसरा है हुआ है सेंटर डायमीटर। सेंटर डायमीटर में हम लोगों ने जैसे क्लिक किया, अब यहाँ पे हमें डायमीटर डालना पड़ेगा। डायमीटर इन द सेंस, सपोज यू हैव अवेलेबल डायमीटर, यू डिड नॉट वांट टू चेंज दैट इन रेडियस, इन दैट केस यू कैन यूज सेंटर डायमीटर। तो सेंटर डायमीटर में जैसे आप मुझे सेंटर डायमीटर अगर 100 डाला तो क्या रेडियस देगा 50। इफ यू वांट टू चेक, यू कैन चेक लाइक दैट। अब देखिए ऑटोकैड में क्या है कि ऑटोकैड में इसको एडिट कर ले रहे हो आप, तो ये क्या कर रहा है, आपके टाइम को सेव कर रहा है। इफ यू वांट 60, जस्ट क्लिक 60, ओके। तो इस तरह से टाइम को सेव कर रहा है। और इसके बाद हमारे पास है टू पॉइंट मीन्स, सपोज आपके पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ओके। अब आपको क्या चाहिए कि इन दोनों के बीच में एक सर्कल चाहिए, आपको इन दोनों के बीच में एक सर्कल चाहिए। तो सर्कल के लिए आप क्या करो, यहाँ पे टू पॉइंट लो, और टू पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे जस्ट एक पॉइंट पर क्लिक करो और दूसरे पॉइंट पर क्लिक कर दो। देखिए आपने इनके बीच में एक सर्कल भी तैयार कर लिया, और साथ ही साथ ये भी जान लिया कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। जैसे देखिए 51.14, इसका डबल करेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब डायमीटर आ जाएगा इसका, ठीक। तो इस तरह से अगर हमारे पास दो पॉइंट है, उनके बीच का रेडियस नहीं पता है, तो हम लोग टू पॉइंट सर्कल यूज करेंगे। ऐसे ही अगर आपके पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, ठीक है, ये मैं लाइन जो खींच रहा हूँ, लाइन खींचने के लिए मैंने पहले वीडियो में आपको डिस्कस कर रखा है कि एल इंटर या लाइन कमांड लेके इंटर करेंगे तो लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो पहले आप उसको देखिए, फिर इसको देखिए, फिर आगे भी हम लोग दूसरी दूसरी कमांड देखेंगे, तो वन बाय वन हम लोग नई नई कमांड्स को देखेंगे, ओके। तो अभी क्या किया हमने, देखिए हमारे पास थ्री पॉइंट्स है, तो अब क्या किया हमने, यहाँ से ले लिया थ्री पॉइंट। देखिए फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन एंड सेकेंड पॉइंट इज दिस वन एंड थर्ड पॉइंट इज दिस वन। देखिए इजिली क्या हुआ, हम लोग तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ एक सर्किल बना लिया हमने, ठीक। तो इस तरह से हम लोग थ्री पॉइंट सर्किल का यूज करते हैं। इसके बाद है यहाँ पर 10 10 रेडियस। 10 10 रेडियस मीन्स फ्रेंड्स, 10 10 रेडियस मीन्स यू हैव, सपोज यू हैव वन टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट एंड यू हैव रेडियस आल्सो, ठीक है। आपके पास दो टेंजेंट है और एक रेडियस है। अब जैसे सपोज मैंने एक टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ कर लिया, एक सर्किल ड्रॉ किया, इसका मैंने कहा ये टेंजेंट मेरे पास है,
इसका ये टेंजेंट मेरे पास है। अब मैं इनसे होता हुआ एक सर्कल बनाना चाहता हूँ, इन दैट केस जस्ट क्लिक ऑन tangent radius, क्लिक ऑन फर्स्ट tangent, देन क्लिक ऑन सेकेंड tangent एंड देन ड्रॉ योर रेडियस वॉट एवर यू वांट। सपोज यू वांट 80, जस्ट क्लिक 80 एंटर। सी 80 रेडियस का आया, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, मतलब 10 रेडियस। तो इस तरह से हम लोग का हो गया 10 रेडियस। लास्ट वन इज 10 10 10 10 10 10। ओके, इन दैट केस जस्ट क्लिक हियर एंड इट्स इफ ऑन ऑर्थो, ऑन ऑर्थो व्हाट इज द यूज ऑफ ऑर्थो, इफ यू ऑन ऑर्थो यू ऑलवेज मेक योर लाइन स्ट्रेट। ओके, जस्ट क्लिक हियर 100 एंटर। दोस्तों इधर जाना है तो इधर के पहले कर्सर को पहले उधर की ओर करना है, ध्यान रखिएगा। देखिए पहले इधर की मूव कर रहा हूँ तो पहले मैं कर्सर उधर जा रहा हूँ। अभी देखिए ऐसे जाने से भी आपका जैसे यहाँ तक अभी एंगल नहीं चेंज हुआ, एंट्री करेंगे तो ये स्ट्रेट चला जाएगा। अगर आपको एंट्री करना है तो आपको इधर की ओर ले जाना पड़ेगा कर्सर को। देखिए जब आप 180 हो गया, दैट मीन कि अब इधर की ओर आप डालोगे डिस्टेंस तो उधर की ओर चला जाएगा, ठीक है। लाइक अभी जैसे ये हमारा कितना था 100, वो भी 100, तो हम लोग इधर भी गए 100, उसको मिला दिया। और उसके बाद हम लोग यहाँ से इसके मिड पॉइंट पे गए, और मिड पॉइंट पे जाने के बाद इसके मिड पॉइंट पे चले गए, राइट क्लिक कमांड कैंसिल, इन दोनों को हमने हटा दिया। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, तीन टेंजेंट आ गए, क्या आ गए, तीन टेंजेंट आ गए। और इसमें से पहला टेंजेंट हमने लिया 10 10 10, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन, देखिए कहीं भी इस पर क्लिक कर दीजिए आप, और यहाँ पे 10 10 10 एंड जस्ट लाइक दैट। तो हमने क्या देखा कि 10 10 10 10, मतलब तीन टेंजेंट हमारे पास हो तो उस केस में हम लोग एक ट्रेंगल बना सकते हैं और ट्रेंगल के अंदर दिखा सकते हैं। मीन्स तीन टेंजेंट आपको कहीं पे भी अवेलेबल है, वहां पे आपको रेडियस का पता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहां पे 10 10 10 यूज करके एक सर्किल अच्छा से ड्रॉ कर सकते हो। होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। अभी भी अगर कोई डाउट है आपके पास तो आप नीचे कमेंट करो यार, एंड डेफिनेटली मैं आपको कोशिश करूंगा कि हर एक कमेंट का सेपरेट रिप्लाई दूंगा। और आप लोग बहुत अच्छा देख रहे हो इसलिए मेरा और भी मन हो रहा है कि और भी अच्छा आपको मतलब की कोशिश किया जाए बनाने के लिए, ठीक है। तो मतलब कि मैं आके आपको पूरा ऑटोकैड देने वाला हूँ, साथ ही रैबिट, स्टैंड प्रो, ईटैप्स, 3ds Max, टेक्ला, इन सब के वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। तो अगर आपको कैड में परफेक्ट होना है, कैड के किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो आप बस देखते रहिए चैनल को और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे टॉपिक्स कराऊँ। ओके, मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, अभी मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम देखिए कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे आया। तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको ये लाइक इस डायग्राम ये डायग्राम चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डायग्राम आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो ये हमारे जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हमको बनाना है। देखिए कितना ये 60 है और ये कितना है 120 है, ठीक है। तो मतलब 120 और 60 का एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और इसमें देखिए तो ये देखिए ये 40 है, ये 40 है और ये 40 है, इन तीनों को मिला दिया 40 40 40 पे, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, इन तीनों को 40 40 मिलाने के बाद देखिए यहाँ पे 10 10 रेडियस, मतलब रेडियस इज 10, सेम 10 10 10 मतलब रेडियस 10 10 10 10 10 10 मतलब यहाँ पे 10 10 10 यूज होगा, यहाँ पे 10 10 रेडियस, और यहाँ पर रेडियस अंदर का 10 और आउटर 20। चलिए बनाते हैं इसको 120 60 20। और भी बहुत से मेथड है जिससे मैं इसको बना सकता हूँ, बट अभी मैं उन मेथड से नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी आपको उन मेथड के बारे में नहीं पता, जैसे कि आगे हम लोग पढ़ेंगे मिरर कमांड, ठीक, और क्या बोलते हैं, और भी बहुत से ढेर सारे अच्छे अच्छे कमांड्स हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे, बट वो अभी हमें नहीं पता है इसलिए हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी मैंने इसको कॉपी कराने के लिए CO इंटर किया, कॉपी कमांड, और जस्ट यहाँ से यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है। और नीचे भी हमने एक बना लिया। जितनी कम कमांड से आप ड्राइंग को बना देंगे उतने ही आप परफेक्ट हैं, क्योंकि ज़्यादा कमांड से तो कोई बना सकता है, बट कम कमांड से बनाने में आपको ज़्यादा लर्निंग मिलती है। इसलिए मैंने देखिए कोई भी कमांड यूज नहीं किया सिवाय एक कमांड, दो कमांड के, एक कॉपी एंड एक लाइन, ये तैयार कर दिया, ठीक है। अंदर एक एक 20 एंड एक 10 का वो था, आपका एक छोटा सा सर्किल था, तो उसके केस में देखिए
आपको गया मिड पॉइंट पे, एक 10 का लिया और एक 20 का लिया, इसको इरेज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा होगा 10 10 रेडियस था, तो जिसमें से हमने ले लिया 10 10 रेडियस, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट एंड देन रेडियस इज 10, जस्ट एंटर दिस। इसके बाद जस्ट फिर से क्लिक किया हमने 10 10 रेडियस, सॉरी 10 10 रेडियस, और इसके बाद फर्स्ट सेकंड एंड देन रेडियस, जस्ट क्लिक आफ्टर इट लाइक फॉर दिस जस्ट 10 10 10 10 10 10 फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, थर्ड टेंजेंट, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट एंड थर्ड टेंजेंट। देखिए इस तरीके से हमारे पास ये डायग्राम तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि 10 10 रेडियस, 10 10 और 10 रेडियस, लगभग हमने सारे टाइप के सर्कल को यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग कमांड कमांड के साथ ही हम लोग डायग्राम ये सीरीज हम लोग चलाते रहेंगे, और आपको इससे बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेक्टेंगल और साथ ही साथ रेक्टेंगल के साथ मिरर कमांड का यूज़ बताने वाला हूँ। इसी तरह से मैं आपको अभी सिलेबस दिखाऊंगा, तो सिलेबस के रिगार्डिंग हम लोग आगे एक एक कमांड करते जाएंगे, उसके साथ एक्सरसाइज करते जाएंगे, जिससे आपकी वर्क प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ ही साथ आपका कमांड भी आपको पता चल जाएगा। होप आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों, एंड अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और ऐसे जैसे आप सपोर्ट कर रहे हो करते जाओ। मैं डेली नए नए वीडियोस लेके आता हूँ, तो एक दिन में मैं एक वीडियो तैयार करता हूँ। तो लाइक आज मैंने ऑटोकैड के इस टॉपिक पे किया, फिर कल उस पर, परसों शायद स्टैट प्रो पे होगा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस हमारे पर। मैं एक टेक्निकल ट्रेनर हूँ, जिसका मतलब मैं इंडस्ट्री में आपको कई टाइप के सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा हूँ, तो उन्हीं सॉफ्टवेयर के जो एक्सपीरियंस है उसको मैं यूट्यूब पे आप सभी को फैलाना चाहता हूँ। इसकी वजह से मैं आपको आपके लिए वीडियोस तैयार कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस फ्रेंड्स।